नमस्कार, मैं हूं मनीषा। वैश्यपान न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते व्यापार से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। नोटबंदी के मुद्दे पर अरुण जेटली ने बैंकों के सीईओ के साथ मीटिंग की। इसके बाद जेटली ने कहा, सरकार फिजिकल करेंसी को घटाकर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। साथ ही पिछले कुछ सालों में डिजिटल ट्रांजेक्शन ऐप का चलन बढ़ा है। बहराइच सदर के रंबापुर चौराहे पर बहुजन समाज पार्टी की क्षेत्रीय चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पवन कुमार गौतम, जॉन कोऑर्डिनेटर और विशिष्ट सामजीत चक्रवर्ती को बुलाया गया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बहराइच सदर के प्रत्याशी अजीत प्रताप सिंह ने की। साथ ही सिंह ने नोटबंदी पर बोलते हुए कहा कि देश भर में किसान बिना खाद और बीज के भटक रहा है और केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। मोदी सरकार की हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि कोई भी शख्स अब बैंकों में जाकर 500 रुपए के पुराने नोटों को नहीं बदल सकेगा। यह फैसला 24 नवंबर की आधी रात से लागू हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इन नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अभी भी आप इन नोटों को बैंकों में जमा करा सकते हैं और इसके बदले आप रकम निकाल सकते हैं। सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार कम करने के लिए जहां केंद्र सरकार ने बड़े नोटों को बंद कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, आज ताजा मामला जन स्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता का है। कनिष्ठ अभियंता ठेकेदार के बिल पास करने के लिए रिश्वत ले रहा था। विजिलेंस की टीम ने जेई को 6000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया, जिस पर भ्रष्टाचार का निरोधक अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। साथ ही विजिलेंस ने जेई का मेडिकल परीक्षण करने के बाद जांच शुरू कर दी है। अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में रुपया 30 पैसे की जोरदार गिरावट के साथ अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 68.86 प्रति डॉलर पर आ गया। विदेशी पूंजी की अधिक निकासी में रुपया प्रभावित हुआ। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संरक्षणवादी उपाय किए जाने की संभावना के बीच निवेशकों में डॉलर का आकर्षण बढ़ रहा है। डाकघर के बचत खाते में 500 और 1000 रुपए के नोट जमा होते रहेंगे। खाताधारक अनलिमिटेड रुपए जमा कर सकते हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना समेत डाकघरों के अन्य खातों में भी 500 और 1000 रुपए के नोट जमा नहीं होंगे। बैंकों की तरह डाकघरों में रुपया जमा करने, निकलवाने व बदलने का काम 30 दिसंबर तक चलता रहेगा। इंदौर से राजेंद्र नगर जाने वाली इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस की दुर्घटना में हताहत होते हुए यात्रियों के परिवारों और घायल यात्रियों को बीमा भुगतान की प्रक्रिया तेजी से जारी है। जिन्होंने IRCTC के जरिए अपने टिकट बुक कराए हैं, जो यात्रा बीमा योजना के तहत मुआवजे के हकदार हैं। बाजार बिगो या स्मॉल बिना कैश के काम नहीं चलता, लिहाजा बिग बाजार ने अपने आउटलेट्स में छोटा कैश काउंटर खोल दिया है। कैश काउंटर खुलने से पहले बिग बाजार के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी है। देश भर के 250 बिग बाजार आउटलेट पर यह सुविधा उपलब्ध है। लोग ATM की लंबी लाइनों में लगने से बचने के लिए बिग बाजार पहुंचे। नोटबंदी का असर रियल एस्टेट सेक्टर पर बड़े पैमाने पर दिख सकता है। देश के 42 शहरों में मकानों की कीमत 30% तक कम हो सकती है। व्यापार से जुड़ी मेरे साथ खास खबरों फिलहाल इतनी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। धन्यवाद।